बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सलमान, चीफ एग्जीक्यूटिव एम एस उमर किटिंग। अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें ये आप गौर से सुन लें कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। इसमें मैं हवाला दूंगा आपको कैपिटल वैली के बारे में। जैसे ही मोटरवे से आप उतरते हैं, तो जैसे हमारा टॉप सिटी मुमताज़ है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, एयरपोर्ट टाउन, तो सीधा जैसे आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कैपिटल वैली है, और एयरपोर्ट से 0 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, यानी आप इंटर जब हो जाते हैं एयरपोर्ट से, तो लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये कैपिटल वैली है, मैन के ऊपर है। तो इसमें मैं एक हवाला ऐड कर देता हूँ आप लोगों के साथ। टॉप सिटी जो था ये भी इंस्टॉलमेंट के थ्रू था, लेकिन आज कैश के ऊपर करोड़ों में है। तो अभी जो है ना, ये कैपिटल वैली में जो है ना, ये बहुत बड़ा चांस है, इतने ज़बरदस्त बेस्ट लोकेशन के ऊपर। और लोग तो जो है ना, वो काफ़ी वीडियो मैंने बनाई हैं कि वो कह रहे हैं कि 2-3 मिनट का ड्राइव, 5 मिनट का ड्राइव या 10 मिनट का, तो ये हकीकत में ऐसा ही है। अगर किसी को शक है तो आ जाए, मैं विजिट करवाता हूँ। कैपिटल वैली बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने है, और जो मेट्रो का ट्रैक है इसके ऊपर है, लेफ्ट साइड के ऊपर इसका गेट बनेगा। तो ये बाकी जो है ना, लोगों की तरह नहीं कि भाई ब्लू वर्ल्ड जो है ना 5 मिनट 10 मिनट, नहीं, वो मैंने वीडियो भी बनाई है, वो तकरीबन 47-48 किलोमीटर दूर है ब्लू वर्ल्ड सिटी और किंगडम वैली, और खैबर सिटी 32-33 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे एक दो ऑप्शन और, जैसे मैंने हवाला दिया टॉप सिटी का, 2015 में यहाँ पे जो प्लॉट थे वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू थे, आज वो कैश के ऊपर करोड़ों में है। और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है टॉप सिटी, मुमताज़, एयरपोर्ट, ग्रीन गार्डन, सारे ये जितने भी हैं आसपास, तो ये बहुत बेस्ट है। तो अभी ये कैपिटल वैली में जो है ना, आप लोग बुकिंग करेंगे, और ये तकरीबन 1 साल के बाद ये लोग कब्जा दे रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे दी इनको साल के बाद, फिर नेक्स्ट जो है वो 2 साल के बाद, फिर नेक्स्ट जो है 3 साल, 3 साल में आपको सब कुछ ये डिलीवर करके आपको देंगे। इसमें आपको जैसे मैंने ऐड किया टॉप सिटी का हवाला, और इसी तरह जो है ना, मैं पीछे आता हूँ 18 एक बहुत बड़ा ब्रांड है पूरी ओवरऑल इस्लामाबाद में, जितनी भी हमारे नए सेक्टर सोसाइटीज़ जो बन रही हैं, सबके बड़ा बाप जो है ना, मैं अगर बाप ही कहूँ तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रांड है 18 में भी जो है ना, जब शुरू में कनाल का हुआ तो वो लोग दे रहे थे टोटल बना बनाया 8 करोड़ का, आज वो तकरीबन 14-15 करोड़ का हो चुका है। तो 18 के साथ ही जो है ना, H17 है, तबलीगी मरकज जहाँ पे है वहाँ पे मैं एक हवाला देता हूँ, इसको जरा गौर से सुन लें। यहाँ पे जो प्लॉट थे वो 5 मरला 5 लाख रुपए पे था, मौके के ऊपर कब्जा, रजिस्ट्री, इंतकाल, सब कुछ। आज वो 5 मरला 5 लाख वाला आपको 5 लाख में नहीं मिलता, वो आपको कम अज कम 45 लाख का मिलता है। तो देखो, ये इस्लामाबाद है, ये प्रॉपर्टी ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही, ठीक है, और लोकेशन वजह से जो है ना सारे ऊपर जा रहे हैं। और देखो, एक और मिसाल देता हूँ, तो अगर आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलते करोड़ों के, तो लाखों लेने चाहिए, लाखों नहीं है तो हजारों भी लेने चाहिए। इसी तरह मैं आपको हवाला देता हूँ रियल स्टेट के बारे में। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा घर पार्लियामेंट हाउस के सामने हो, F7, E5, E6, F6, F7 में, ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता वहां पे, और अल्लाह देगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इंशाल्लाह ऐसा टाइम आ जाएगा, हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है मैं इस हाल भी, लेकिन उम्मीद है, इंसान है, फितरत है ऐसा कि और भी बढ़ जाए। तो देखें, अभी अगर आप लोगों को इसमें मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कैपिटल वैली तो बहुत बेस्ट है, ठीक है, कैपिटल वैली के अलावा बुरहान पे, या जो क्या ब्लू वर्ल्ड है, किंगडम है, या खैबर सिटी है, या ओवरऑल हमारे और काफी सारे सोसाइटीज है रोलपिंड इस्लामाबाद में, अगर वो इधर उधर दूर है ना, तो ना होने से तो बेहतर है ना। अगर एक बंदा 500 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से, तो वो अगर यहाँ पे घर बनाता है तो बेटर नहीं है 30-40 किलोमीटर में, आपको क्या मसला है। तो यार देखो, अगर ज्यादा पैसे नहीं है तो कम लेने चाहिए, अगर आपको एक बेस्ट लोकेशन के ऊपर पैसे आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ये 30-40-50 किलोमीटर में। और यही मैं आपको बताऊं, ये हमारा Zone 7 बनने जा रहा है, बन चुका है चक्री पे, ठीक है, तो ये मुस्तकबिल में रिंग रोड वगैरह ये सारा कुछ बन जाएगा, तो आप हैरान हो जाएंगे, इसने बहुत बूम करना है। तो मैंने एक H17 का भी हवाला दिया, टॉप सिटी का भी दिया, इस तरह और काफी सारे I-14 CDA सेक्टर का हवाला देता हूँ, वहां पे प्लॉट 2009 में जो था वो बहुत कम था, अभी बहुत कॉस्टली है। तो MSU मार्केटिंग के साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आसान।